कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार भूल रही है कि देश में जीरो से बढ़कर आज 34 लाख कोरोना मरीज हो गए हैं। देश में हर रोज 60-70 हज़ार नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इस दौरान नीट के लिए 16.5 लाख और जेईई के लिए 9.5 लाख परीक्षार्थियों, जो लगभग 27 लाख परीक्षार्थियों के हैं। इन पर परीक्षार्थियों और उनके परिवारजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में जहां 34 लाख कोरोना संक्रमित हैं और 60,000 की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें कहा है कि जेईई के लिए मात्र 660 सेंटर हैं। हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीक की रिपोर्ट। इस देश की सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण आईआईटी, जो जेईई और नीट की एग्जाम लेना चाह रही है। 27 लाख विद्यार्थियों को कोरोना में से, जिसके अभी बंद है कोरोना, WHO के नियम है, सरकार की गाइडलाइन है, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे, एक एक सेंटर पे 10-10 हज़ार लोग इकट्ठा करने की तैयारी कर रही है। सरकार अपने मन की बात छोड़ के विद्यार्थियों के थोड़े दिल की बात सुने, उनके काम की बात सुने, और जान है तो जाने का नियम है। हमारी मांग है कि कोई इसको, जेईई नीट को पोस्टपोन किया जाए पूरी तरीके से। कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों के साथ है।